जया जी एकली रहेंगी कमरे में बिना किसी से बात किए बिना कुछ खाए पिए? मासा ने तो यही कहा है। पता नहीं क्यों दादी से गुस्सा होती है नहीं ताई जी से। नहीं ताई जी तो कितनी प्यारी है कितनी फुतरी है नहीं ताई जी। वैसे शुरू शुरू में दादी से मुझसे भी गुस्सा होती थी, पर सासू माँ जब कोई छोरी ब्याह करके नई नई इस घर में आती है तो क्या दादी से हमेशा उसे ऐसे ही गुस्सा करके बात करती है? हाँ नंदी, शुरू शुरू में मासा ऐसे ही नाराज रहती है मगर फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तू तो जानती है ना उन्हें, तो फिर परेशान क्यों हो रही है? पर सासू माँ नई ताई जी को भूख लगी होगी ना, और भूख लगने से तो इतने चक्कर आते हैं कि सीधा दो का चार दिखता है। सासू माँ अब दादी सा से बोलिए ना, आपको तो याद है ना नई ताई जी ने जगदीशा को कैसे बचाया था जब दादी सा उसे कोठरी में बंद करने वाली थी। सासू माँ अब बोलिए ना दादी सा को कि नई ताई जी से गुस्सा करने की बजाय पट्टी कर ले। नहीं भाभी, दादी सा माँ की बात नहीं सुनेंगी। क्यों नहीं? दादी सा ने नई ताई जी की बात सुनी ना, फिर सासू माँ की क्यों नहीं? तुम्हारे इस क्यों का जवाब तो नहीं पता मुझे, लेकिन इतना पता है दादी सा का जवाब ना ही होगा। सासू माँ क्या दादी सा बापू सा की भी बात नहीं सुनेंगी? नहीं आनंदी, वो किसी की बात नहीं सुनेंगी। जो ठान लिया सो ठान लिया। रोक दो मासा। भगवान ही रोक रखे। सब ठीक रहा? हाँ मासा, अगले महीने की 20 तारीख को गांव के सरपंच ने हमें खुद वहां बुलाया है। पंचायत बैठेगी और अगर ईश्वर की कृपा रही ना तो जमीन का मामला कचहरी के बाहर ही निपट जाएगा। माता सरस्वती का वास रहे थारे मुंह में, चल हाथ मुंह धो ले, थक गया होगा। हैं? इसमें क्या है? उस गांव के बाहर का हाट बहुत माना हुआ है मासा, घर में सबके लिए कुछ कुछ लेकर आया हूँ। और ये तो खास आपके लिए है, आपके शरीर में दर्द रहता है ना, हाँ? तो इससे हाथ पैरों की मालिश की जा सकती है। ऐसे दर्द के साथ साथ थकान भी मिट जाएगी। बड़ा चोखा है रे जी, तो तू है बसंत है, तो जो ढोकरी जिंदा है अपना कौन तो ध्यान रखे मारा। दो दो सर्वेंट को मारे मारे घर में। खाना तैयार है मासा। अरे सुमित्रा रुकना, ये ले, ये सामान्य ज्ञान की किताब है जगदीशा के लिए, और ये तेरे और आनंदी के लिए। और ये भाईसा के लिए, और ये गहना भाभी के लिए। कहा थारे को उसके लिए जेल आने को? मासा वो घर में सबके लिए कुछ कुछ लेकर आया हूं, तो उनके लिए भी ना। भैरव ध्यान से सुन ले मेरी बात, आज के बाद से उस छोरी के लिए कोई टीबे की धूल तक ना लगेगा। घर में पड़ी रोटियां तोड़े है बहुत है उतना ही।
सबको चेता दिया है मैंने, थारे को भी बता रही हूँ, आज के बाद से कोई उस छोरी से ना बात करेगा ना उसके पास जाएगा, जब तक तुम्हारे से माफी ना मांग ले करमचंद। नहीं बस और नहीं, हो गया मेरा। ये जगह कहाँ पर है? खाना खाने नहीं आया? अरे उसकी परीक्षा सर पे है ना, तो अपने कमरे में ही खा ले बे। क्यों मना कर रहा है? लेना दो रोटी और एक एक घास की तो है। नहीं मां साहब और नहीं। कुछ तो अपनी सेहत का ध्यान रख बसंत। बहुत थक गया हूँ, जाकर सो जाऊंगा, सुबह जल्दी निकलना है। गुस्सा नहीं होगी तो एक बात कहो। अब गुस्से करने वाली बात होगी तो गुस्सा तो करूंगी। बोल क्या बात है? दादीसा मैं नैताई जी को खाना दे आऊं? हाँ दे आप। उसके बाद पूरा एक हफ्ता कोठरी में रहने के लिए तैयार हो जा। याद है ना क्या बोली थी मैं? छोरी से बातचीत जो भी करेगा उसे सजा मिलेगी। की बेटी है मासा, भूखा तो नहीं मार सकते ना उसे? तो भूखा मार कौन रहा है भैरव? एक दो बातें तो समझ ले मारे से। पहली बात, कोई रोक टोक ना लगाइए छोरी के खाने पीने पे। जब भूख लगेगी अपने आप आकर खाना पीना ले लेगी। दूसरी बात, कि छोरी के खान पान की चिंता करनी हो तो उसका घरवाला करे, थारे को कहे। चल गया, पूरा चेहरा खराब हो जाएगा, तब लगेगा क्या? सुगना जी जी
नहीं ताई जी को बहुत भूख लगी होगी ना। हाँ भाभी, बार बार उनका उदास चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इस घर में बड़ों के सामने छोटों की चलती है क्या? मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया है, पर तुम भी मत सोचो। और चीची, क्या हम एक बार भी नहीं ताई जी से नहीं मिल सकते? नहीं, तुम्हें पता है ना, दारिसा को पता चल गया तो क्या करेंगी? चीची, मुझे एक बार नहीं ताई जी से मिलना है, मैं चुपके से जाकर आऊं? धीरे से बोलो, केली हो गई हो क्या? तारिशा का नाम लेते ही मुझे लगता है तारिशा हमारी बातें सुन रही है और हमें कोठरी में बंद कर देंगी। मुझे कोठरी में बंद मत करो ना, डर लगता है, खाना बंद कर चलेगा, वो कोठरी नहीं जानेगा, आज छोड़ ना सार जो रहा है। अब रह जाइए पे। सारा दिन भूखी प्यासी इस कोठरी में सड़ेगी, तभी अकल ठिकाने आएगी। रहना पड़े तो रह लूंगी मैं कोठरी में, पर मुझे एक बार नहीं ताई जी से मिलना है। ठीक है, लेकिन हाँ, आप खुली और कान खड़े रखना जैसे दादी से रखती है। एक बात कहूं सुमित्रा, थोड़ी अजीब सी है। मैं तो कभी मासा के सामने मुंह नहीं खोल पाया, लेकिन कहना भाभी ने हिम्मत की तो न जाने क्यों बुरा नहीं लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद भी यही करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पाए। ना आप ना मैं, कहना कहीं हमारी दबी हुई आवाज ही तो है जो अब सुनाई दे रही है। सही कह रही है तू सुमित्रा, पहली बार किसी ने मासा के खिलाफ जबान खोली है। मासा का गुस्सा तो लाजमी है, लेकिन जो कुछ वो कर रही है, कहीं कहीं कहना भाभी उससे टूट ना जाए। उनसे कहना कि वो इस घर में पूरे अधिकार से रहें, अकेली नहीं है वो। कितना कुछ सहा जमुना भाभी ने, उन पर हो रहे अन्याय के खिलाफ हम कभी मुंह नहीं खोल पाए, चुपचाप देखते रहे और वो खत्म हो गई, कुछ नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं उस पाप के भागी हम दोनों भी हैं सुमित्रा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चाहे किसी भी रूप में हो, गहना भाभी का साथ हम देंगे। चलो बस कर, तू थक गई होगी और वैसे भी मुझे ये सब पसंद नहीं है, लेकिन तू मानती कहाँ है? अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता जब कभी मेरा सर दुखता है और आप दबाने बैठ जाते हैं।
मगर आप मानते हैं मेरी बात? तो अब क्या मुझसे बराबरी कर रही है तुम? जिसने सिखाया झेले वही। अच्छा भाई ठीक है, तुझसे कहां जीत सकता हूं मैं। सुमित्रा, गहना भाभी से कहना कि वो अपने आप को तकलीफ न दें। अब जब उन्होंने इस घर में रहने का फैसला कर ही लिया है तो पूरे अधिकार के साथ रहें, अपने हर अधिकार का इस्तेमाल करते हुए। देख लिया तो? नहीं ताई जी, मैं यहाँ आपसे मिलने आई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, बहुत चिंता भी हो रही थी। आपको बहुत भूख लगी होगी ना नहीं ताई जी? नहीं। आपको पता है नहीं ताई जी, दादी सा ने सबको कह दिया कि कोई भी आपसे बात ना करेगा। आप है ना नहीं ताई जी, रसोई में जाके अपने मन मर्जी की कोई भी चीज खा लो, कोई भी आपको कुछ ना कहेगा। मैंने कहा ना आनंदी, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। दादी साहब को जैसा कहे अब वैसा ही करो, फिर देखना दादी साहब से कभी गुस्सा नहीं होंगी। पहले पहले दादी साहब मुझसे बहुत नाराज होती थी, पर जब से मैंने उनसे माफी मांगी तब से वो मुझे बहुत लाड करती हैं। आप भी उनकी बात मानोगी ना, फिर देखना आपको भी वो बहुत लाड करेंगी। यही तो वो चाहती है कि वो जो कहे मैं वैसा ही करूं। लेकिन अगर मैं भी गलत को चुपचाप सहने लगी तो सच कहने की हिम्मत कौन करेगा? जो गलत व्यवहार होता आ रहा है वो आगे भी होता रहेगा। जी, बड़ों की बात मानना गलत बात थोड़ी ना होती है। नहीं आनंदी, बड़ों की बात मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बड़े भी तो गलत हो सकते हैं ना। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें सही और गलत में फर्क बताएं। तो क्या अगर बड़े हमें गलत बात मानने को कहे तो हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए नीताई जी? अगर उस बात से किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। अन्याय चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे सहना गलत है। अन्याय करने वाले से बड़ा पापी अन्याय सहने वाला होता है। नहीं ताई जी, आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हो। ऐसी ही ना मेरी एक टीचर जी होती थी, वो भी अच्छी अच्छी बातें करती थी, मैं तो बिना पलक झपके उनकी बातें सुनती थी। अच्छा आप जल्दी से जाए यहाँ से आनंदी, अगर दादी सा ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। जाओ। ये लो नहीं ताई जी, मैं आपके लिए लाई हूँ, इसमें है ना बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं। आपके साथ कोई भी बात करने को नहीं है ना तो आप इसे ही सुनती रहना, ठीक है? और मैं तो आऊंगी ही जब दादी सास पास ना हो। नहीं ताई जी अब डरो मत, मैं छुप के आ जाऊंगी सच्ची में। ये लो। मैं चलती हूँ।
नारी में जब रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने की भावना पैदा होती है, तब सामाजिक चेतना का जन्म होता है।